आज मैं चंदन सिंह आप सभी के सामने दोबारा हाजिर हूँ विद बेस्ट कंप्यूटर बेसिक शॉर्टकट कीज तो अभी हम इन कंप्यूटर शॉर्टकट कीज को डिस्कस करेंगे उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल का आइकन भी जरूर दबाएं तो आज की फर्स्ट बेसिक शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एफ फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम तो अल्ट प्लस एफ का उपयोग करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू ऑप्शन के लिए किया जाता है नेक्स्ट अल्ट प्लस ई एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम तो अल्ट प्लस ई का उपयोग करंट प्रोग्राम में एडिट ऑप्शन के लिए किया जाता है नेक्स्ट एफ वन यूनिवर्सल हेल्प फॉर ऑल प्रोग्राम्स आपको किसी भी प्रोग्राम में कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको एफ वन क्लिक करना पड़ेगा या एफ वन की हेल्प से आप हेल्प ले सकते हैं नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ए तो स्टूडेंट्स सेलेक्टेड ऑल आइटम्स कंट्रोल प्लस ए की हेल्प से आप किसी भी सिलेक्ट आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स कट सिलेक्टेड आइटम जो कि आपने सिलेक्टेड आइटम की थी आइटम को सेलेक्ट किया था उसको कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट शिफ्ट प्लस डिलीट तो शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन भी कट सिलेक्टेड आइटम के लिए किया जाता है तो आप जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया है उसको कट करने के लिए भी शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी कॉपी सिलेक्टेड आइटम किसी भी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी सिलेक्टेड आइटम सेम एज नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी पेस्ट नेक्स्ट कंट्रोल प्लस इंसर्ट तो कंट्रोल प्लस वी और कंट शिफ्ट प्लस इंसर्ट का उपयोग भी पेस्ट करने के लिए किया जाता है जो भी आपने सेलेक्टेड को कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी और कंट शिफ्ट प्लस इंसर्ट का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट होम गो टू बिगनिंग ऑफ करंट लाइन करंट लाइन के बिगनिंग में जाने के लिए होम की का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस होम गो टू बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम ओके नेक्स्ट एंड गो टू एंड ऑफ द करंट लाइन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एंड गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का उपयोग किया जाता है और करंट लाइन के एंड में जाने के लिए एंड की का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट शिफ्ट प्लस हैंड होम तो शिफ्ट प्लस होम इसका उपयोग हाईलाइटेड फ्रॉम करंट पोजिशन टू बिगनिंग ऑफ लाइन ओके नेक्स्ट शिफ्ट प्लस एंड हाईलाइटेड फ्रॉम करंट पोजिशन टू एंड ऑफ लाइन नेक्स्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट साइन मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम जो भी आपने वन वर्ड लिखा है उसको लेफ्ट करने के लिए एट अ टाइम के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट साइन का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस राइट मूव वन वर्ड टू द राइट एट अ टाइम जो भी आपने वन वर्ड लिखा है उसको राइट right में करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट साइन का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट आप सभी से लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और आप सभी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो